वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। 244 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे, यह है टेस्ट नंबर 245, इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा सिविल सर्विस स्टडी के। तो क्वेश्चन नंबर वन है, हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में रहा कोरोना बॉन्ड किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? वर्ल्ड बैंक से, भारतीय रिजर्व बैंक से, यूरोपियन यूनियन से, या फिर संयुक्त राष्ट्र संगठन से? तो वर्ल्ड बैंक से नहीं है, आरबीआई से नहीं है, और यूएनओ से नहीं है, ये संबंधित है ईयू से, मतलब यूरोपियन यूनियन से। तो देखिए, कोरोना बॉन्ड एक संयुक्त ऋण है जो यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को जारी किए जाते हैं, और यह यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों द्वारा सामूहिक रूप से लिया गया ऋण होता है। और कोरोना बॉन्ड के तहत दिया जाने वाला ऋण यूरोपीय निवेश बैंक, मतलब यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर टू है, हाल ही में समाचारों में रहे राउंड ट्रिपिंग के संदर्भ में कौन सा सही है? क्या होती है राउंड ट्रिपिंग? राउंड ट्रिपिंग से अभिप्राय उस धन से है जो विभिन्न चैनलों के माध्यम से देश के बाहर जाता है, और फिर यही धन विदेशी निवेश के रूप में देश में वापस आता है। इसमें ज़्यादातर काला धन शामिल है, और इसका इस्तेमाल अक्सर स्टॉक प्राइस में हेरफेर करने के लिए किया जाता है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, और डी है इसका व्यावसायिक उद्देश्य होता है। किसका? राउंड ट्रिपिंग का। तो डी यहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला भी करेक्ट हो जाएगा, तो सी हो जाएगा इसका आंसर, एक और दो। तो देखिए, राउंड ट्रिपिंग जो है, राउंड ट्रिपिंग से अभिप्राय उस धन से है जो विभिन्न चैनलों के माध्यम से देश के बाहर जाता है, और फिर यही धन विदेशी निवेश के रूप में देश में वापस आता है। और इसमें ज़्यादातर जो है वो काला धन शामिल होता है, मतलब ब्लैक मनी। इसका इस्तेमाल अक्सर स्टॉक प्राइस में हेरफेर करने के लिए किया जाता है। राउंड ट्रिपिंग अक्सर लेन देन की एक श्रृंखला के माध्यम से की जाती है, और इसका कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं होता। तो जैसे ये लिखा है ना, ये व्यावसायिक उद्देश्य इसका होता है, तो कुछ नहीं होता इसका व्यावसायिक उद्देश्य, और जो इसे गार के दायरे में लाता हो। गार का मतलब यहाँ पर क्या है? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल गार। तो यही थी राउंड ट्रिपिंग। अब है क्वेश्चन नंबर थ्री, माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क के बारे में कौन सा करेक्ट है? तो इसका उद्देश्य नागरिकों को कोविड-19 से संबंधित सूचनाओं का समय समय पर अपडेट प्रदान करना है, एवं इससे संबंधित नागरिकों के प्रश्नों का जवाब देना है। इस चैटबॉट को भारत सरकार द्वारा 20 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया था, मतलब देखा जाए तो 15 दिन हो गया, 15-16 दिन। और कोविड-19 से संबंधित गलत सूचना तथा अफवाहों को दूर करना इस चैटबॉट का प्राथमिक लक्ष्य है। बिल्कुल करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क, इसका उद्देश्य नागरिकों को कोविड-19 से संबंधित सूचनाओं का समय समय पर अपडेट प्रदान करना, एवं इससे संबंधित नागरिकों के प्रश्नों का जवाब देना है। इस चैटबॉट को भारत सरकार द्वारा 20 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया था। इस चैटबॉट का विकास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब AI चैटबॉट कंपनी हैप्टिक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है, जिसके 87% जो शेयर हैं वो रिलायंस जियो के पास हैं। अब देखिए, कोविड-19 से संबंधित गलत सूचना तथा अफवाहों को दूर करना इस चैटबॉट का प्राथमिक लक्ष्य है, और इसके लिए हैप्टिक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने व्हाट्सएप नंबर भी प्रदान किया है, जो है 09190131515115। क्वेश्चन नंबर फोर है, महावीर स्वामी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। हाल ही में इनकी जन्मतिथि मनाई गई है, इसलिए यह है न्यूज़ में। तो देखिए, महावीर स्वामी का संबंध इक्ष्वाकु वंश से माना जाता है, और महावीर ने अपने शिष्यों को 5 महाव्रतों, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह की शिक्षा दी, और उनकी शिक्षाओं को जैन आगम कहा गया। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जबकि आत्मा की मान्यता है, और महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास नहीं करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, पहला इक्ष्वाकु वंश से संबंधित रखते हैं ये, और 5 महाव्रत हैं इनके, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनको कहा गया है क्या? जैन आगम। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता, करेक्ट है, और आत्मा में विश्वास करता है, ये भी करेक्ट है।
और महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास नहीं करते, ये गलत है। पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं ये, और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। तो 4 को एलिमिनेट कर दो यहाँ पर, ये तो हो नहीं सकता फिर इसका आंसर, क्योंकि पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3। तो देखिए केवल 1, 2 और 3 सही है। महावीर स्वामी इच्छवाकु वंश से संबंध रखते हैं और इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, जिसका अर्थ होता है जो बढ़ता है। महावीर ने अपने शिष्यों को 5 महाव्रतों, अहिंसा, सत्य, अस्त, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह की शिक्षा दी और उनकी शिक्षाओं को जैन अगम कहा गया। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है जबकि आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और कर्मवाद में भी विश्वास करते हैं। जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, याद रखिएगा। और बौद्ध में 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। 5वां प्रश्न है, बाबू जगजीवन राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अभी हाल ही में महावीर स्वामी की जयंती थी इसलिए प्रश्न पूछा गया है, और हाल ही में बाबू जगजीवन राम जी की भी जयंती मनाई गई है 113वीं, इसलिए प्रश्न इनके बारे में भी याद रखिएगा। तो बाबू जगजीवन राम का जन्म अप्रैल 1908 को ब्रिटिश भारत के भोजपुर मतलब बिहार में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1935 में अखिल भारतीय शोषित वर्ग मतलब ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की नींव रखने में अहम योगदान दिया था, जो अछूतों के लिए समानता के अधिकारों को प्राप्त करने हेतु एक समर्पित संगठन था। तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है ये इन्हीं के लिए सही है, या फिर ज्योतिबा फूले का स्टेटमेंट है या भीमराव अंबेडकर जी का स्टेटमेंट है, किनका है ये? देखिए उन दोनों का नहीं है, इन्हीं का करेक्ट है ये, और बिल्कुल 1908 में ब्रिटिश भारत के भोजपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था। तो करेक्ट है यहाँ दोनों का, दोनों वो थर करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अप्रैल 2020 को गरीबों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम को उनकी 113वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दिया हाल ही में। और बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को ब्रिटिश भारत के भोजपुर मतलब बिहार में हुआ था। जगजीवन राम, जिन्हें बापू जी के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख कार्यकर्ता एवं राजनीतिज्ञ थे। अब देखिए, उन्होंने वर्ष 1935 में अखिल भारतीय शोषित वर्ग लीग की नींव रखने में अहम योगदान दिया था, जो अछूतों के लिए समानता के अधिकारों को प्राप्त करने हेतु एक समर्पित संगठन था। वे वर्ष 1937 के चुनाव में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण मजदूर आंदोलन की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑपरेशन संजीवनी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर 3-3 स्टेटमेंट है, बताना कि किनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ऑपरेशन संजीवनी की स्थापना भारतीय वायुसेना ने की है और इसका संबंध भारत और बांग्लादेश से है। वर्तमान में एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया हैं। अगर इसकी स्थापना भारतीय वायुसेना ने की है तो बताइए कौन सा करेक्ट है इनमें, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें। देखिए ऑपरेशन संजीवनी का संबंध, इसकी शुरुआत बिल्कुल भारतीय वायुसेना ने की है, करेक्ट है, और भारत और बांग्लादेश से इसका संबंध नहीं है, भारत और मालदीव से इसका संबंध है। तो सेकंड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, ये नहीं होगा इसका आंसर, ये भी नहीं होगा। और वर्तमान में बिल्कुल एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा करेक्ट, तो सी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए भारतीय वायुसेना इंडियन एयर फोर्स ने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहायता के रूप में परिवहन विमान C-130J के माध्यम से मालदीव को 6.2 टन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की गई है, इसलिए दूसरा सही नहीं है। दूसरे में था क्या, भारत और बांग्लादेश से संबंध नहीं है, मतलब भारत और मालदीव से है। एयर चीफ मार्शल की बात की जाए तो राकेश कुमार भदौरिया हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। 7वां प्रश्न है, पारिस्थितिक निकेत इकोलॉजिकल निकेत के संदर्भ में विचार करें। पर्यावास में किसी प्रजाति का कार्यात्मक लक्षण जो है वो निकेत कहलाता है और एक पर्यावास में केवल एक ही निकेत हो सकता है। एक निकेत में एक ही प्रजाति रह सकती है, बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए पर्यावास में किसी प्रजाति का कार्यात्मक लक्षण निकेत कहलाता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। एक पर्यावास में एक से अधिक निकेत हो सकते हैं, गलत है। दूसरा वाला स्टेटमेंट कर दीजिए एलिमिनेट, इसका आंसर आराम से निकल गया ऑप्शन नंबर सी, एक निकेत में एक ही प्रजाति हो सकती है, ये वाला सही है, 1 और 3 सही है, सी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए किसी प्रजाति के पर्यावास को उसके पते के रूप में समझा जा सकता है जबकि निकेत का आशय उसके पर्यावास से है।
अतः पहला करेक्ट हो गया। इस तरह निकेत का तात्पर्य किसी प्रजाति के समस्त क्रियाकलापों और उसके संबंधों के योग से है, जिसके माध्यम से वह अपनी उत्तरजीविता, जनन एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए अपने आवासों के संसाधनों का उपयोग करती है। एक पर्यावास या आवास में कई प्रकार की प्रजातियां रह सकती हैं, जबकि एक निकेत में एक ही प्रजाति रह सकती है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा सही है। पर्यावास निकेत से व्यापक धारणा है, अतः किसी पर्यावास में एक से अधिक प्रजातियों का निकेत हो सकता है, यद्यपि वे समान नहीं होते। तो यहाँ पर यह दूसरा गलत है, तीसरा सही है, पहला सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, जलवायु कटिबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अक्षांशों के साथ औसत तापमान में अंतर के आधार पर जलवायु को उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय में बांटा गया है। उष्ण कटिबंधीय से आर्कटिक क्षेत्र की ओर बढ़ने पर औसत तापमान घटता जाता है। ये अपनी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच दी जाती है, 0 डिग्री। कौन सी लाइन है? इक्वेटर लाइन। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। अब ये कह रहा है यहाँ से आप ऊपर की तरफ चलो, ये उष्ण कटिबंधीय है, यहाँ पर ऊपर क्या है? आर्कटिक है और नीचे अंटार्कटिक, तो नीचे भी ठंडा, यहाँ भी ठंडा, यहाँ भी ठंडा। तो ऊपर जाएंगे तो तापमान घटेगा ना, घटेगा तो कैसी परिस्थितियाँ, कैसे वन पाए जाएंगे वहाँ पर? शंकुधारी वन हो गए या फिर अल्पाइन वन हो गए। तो करेक्ट है पहला, ये घट रहा है तापमान, करेक्ट है। दूसरा भी, शीतोष्ण कटिबंध में ऊंचाई पर अल्पाइन जलवायु भी परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो तीनों के तीनों करेक्ट हो गए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, भौगोलिक स्तर पर अक्षांशों मतलब लैटिट्यूड के साथ औसत या माध्य तापमान में होने वाले अंतर के आधार पर जलवायु कटिबंध का निर्धारण किया जाता है, इसलिए पहला सही है। और मुख्य जलवायु कटिबंध इस प्रकार हैं, उष्ण कटिबंध होता है 0 डिग्री से 20 अक्षांश, और उपोष्ण कटिबंध होता है 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश, और शीतोष्ण कटिबंध होता है 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश, और आर्कटिक एवं अंटार्कटिक होता है 60 डिग्री से 80 डिग्री अक्षांश। इस पर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, चूँकि ये इंपॉर्टेंट है तो इन चीज़ों को बार बार याद रखिए आप लोग। अब देखिए, जैसे ही हम विषुवत से मतलब इक्वेटर से 0 डिग्री से 20 डिग्री से आर्कटिक क्षेत्र की ओर बढ़ते जाते हैं, माध्य तापमान का हर्ष होता मतलब कमी होती है, और पर्वतीय क्षेत्रों में भी ऊंचाई के साथ इसी तरह की जलवायु कटिबंध का निर्माण होता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित पर्वत पर ऊंचाई के बढ़ते क्रम में उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन मंडल पाए जाते हैं। और देखिए, शीतोष्ण कटिबंध में भी ठीक इसी तरह की परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, इसलिए तीनों के तीनों करेक्ट हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट हैं यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। तापमान तथा वर्षा दो प्रमुख कारक हैं जिनके आधार पर किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण होता है। वायुमंडलीय जलवायु स्तर का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में तापमान, वर्षा तथा वायु में जलवाष्प की मात्रा में बदलाव से होता है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो वर्तमान तापमान और वर्षा जलवायु के दो प्रमुख निर्धारक कारक हैं। विभिन्न क्षेत्रों में तापमान, वर्षा तथा वायु में जलवाष्प की मात्रा में बदलाव से भूमंडलीय जलवायु का स्तर का निर्माण जो है वो होता है, इसलिए वो था करेक्ट। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तीन तीन स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा सही है। पढ़िए इनको ज़रा। देखिए, सभी जीव मतलब जितने भी जीव जंतु हैं अनिवार्य रूप से भोजन, ऊर्जा, आवास एवं अन्य जरूरतों के लिए पर्यावरण पर आश्रित रहते हैं। पर्यावरण एक गतिशील मतलब डायनेमिक संकल्पना है। गतिशील है, स्थैतिक है, गतिशील है, करेक्ट है। पर्यावरण का दो में से एक घटक स्थिर है। तो दो घटक कौन कौन से? जैविक घटक और अजैविक घटक, इनमें से एक स्थिर है। गलत, कोई भी स्थिर नहीं है, दोनों के दोनों गतिमान है, गतिमान है, गतिशील है। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा है इनकरेक्ट। तो थर्ड को कर दीजिए एलिमिनेट, इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? डी, एक और दो केवल। तो देखिए, सभी जीव मतलब विषाणु से लेकर मानव तक, आप हम भोजन के लिए, ऊर्जा के लिए, पर्यावास के लिए, जल के लिए, ऑक्सीजन आदि जरूरतों के लिए पर्यावरण पर ही आश्रित होते हैं। पर्यावरण एक गतिशील डायनामिक संकल्पना है, स्थैतिक नहीं है, याद रखिएगा। इसमें जो दोनों घटक है ना, जैविक घटक और अजैविक घटक, 50 बार बताया होगा कम से कम, निरंतर प्रवाहमान और बदलते रहते हैं, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। धन्यवाद।